चीफ मिनिस्टर को एक शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। भाजपा का कहना है केजरीवाल ने शराब घोटाला किया इसलिए गिरफ्तारी हुई है, और जबकि विपक्ष कह रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी चुनाव से पहले, आपका क्या मानना है? देखो जी, ये तो मोदी जी डरे हुए हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, इसीलिए इनको अंदर करा। और आप देखना बाद में आदमी देखो कभी तो छुटेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं निकलेगा, इसलिए आम आदमी देखो परेशान भी है। इसलिए जो हम लोकल जो है जितने भी हैं सब इसलिए परेशान है। और कोई बात? इस बार आम आदमी पार्टी एक नारा लगा रही है दिल्ली में कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब वोट से देगी, आपका क्या लगता है अगले चुनाव में जनता वोट से जवाब देगी जेल का? बिल्कुल जी, बीजेपी से अब लोग परेशान भी हैं, और जो भी है जैसे मैं अब यहाँ पर रहता हूँ तो हमने भी लोगों से बात हुई है, तो लोगों का ने मन बनाया है कि इस बार बीजेपी को हराना है, अरविंद केजरीवाल जी को ही लाना है। पर भाजपा तो कह रही है कि हर बार की तरह सातों की सातों सीटें इस बार भी हमें ही आने वाली है। नहीं आएंगी सातों, नहीं आएंगी इस बार, नहीं आएंगी। देखो जो आदमी ने काम करा है अगला आदमी तो अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा है, ये किस बेस पर वोट मांग रहे हैं? इनका कोई बेस ही नहीं है। पहले जो हमारे यहाँ के जो हमारे एमपी थे 5 साल में वो नहीं दिखे, फिर अगले 5 साल में वो नहीं दिखे, 10 साल में 2 MP नहीं दिखे, दोनों की इन्होंने सीटें चेंज कर दी। क्यों कर दी? अगर वो काम करने वाले थे अच्छे थे तो क्यों उनको चेंज करा, उन्हीं को रहने देते? इस बार नहीं आएंगे, ये बीजेपी नहीं आएगी इस बार। ठीक है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को एक शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। भाजपा का कहना है कि उन्होंने घोटाला किया इसलिए गिरफ्तार तो होना ही था, जबकि विपक्ष कह रहा है कि केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार करवा के मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये सरासर सभी को पता है कि अगर कोई घोटाला होता है तो उसका साक्ष्य भी सामने आता है। अभी तक वो कोर्ट में कुछ प्रस्तुत नहीं कर पाए कि है ना क्या घोटाला हुआ है, कितने का घोटाला हुआ है, क्या ट्रेल है। जो हमने अभी तक जो भी न्यूज़ में और मीडिया के माध्यम से देखा है वो यही देखा है कि है ना जो भी ट्रेल पकड़ी गई है वो बीजेपी की तरफ इशारा करती है कि ये सारा घोटाला जो है बीजेपी के साथ में होकर के हुआ है। दूसरा, ये हर कोई जानता है जिस तरह की तानाशाही बीजेपी इस समय कर रही है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का यूज़ कर रही है, और जिस तरह से है ना विपक्ष को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है, एक तरह से एक लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या है, और इसका हम घर विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आने वाले चुनाव में 101% जिस हिसाब से लग रहा है, कह रहे हैं 400 पार, ठीक है 400 पार, मगर 400 पार सीटें 400 पार नहीं, मिट्टी सरसों का तेल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो इस समय 100, 150, 200 रुपये मिल रही हैं, जो एक टाइम पे 2014 से पहले 50-60 रुपये मिलती थी, आज 200 रुपये आ गई, वो सब 400 पार होंगी। हाँ, बाकी इनकी सीटें इस बार बहुत कम होने वाली हैं, और जहाँ तक मेरे को मानना है कि है ना इस बार इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री चुनेगा, और जल्दी ये निर्णय आपका जून में आपके सामने आ जाएगा। और भाजपा तो ये कह रही है कि दिल्ली में तीसरी बार भी सातों की सात सीटें उन्हीं को जाएंगी, और विपक्ष ये कह रहा है कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, तो आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला? जी बिल्कुल, इस बार जिस हिसाब से आप जो सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह के ना लोगों से हमें जो व्यू आ रहे हैं, हम भी देखते हैं चारों तरफ, तो वो क्लियर ये शो कर रहा है कि ना इस बार जब दिल्ली की जनता बीजेपी और तानाशाह से बहुत सख्त नाराज है, इस बार इंडिया गठबंधन को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक ये भी वोट बैंक का एक ये भी फर्क पड़ेगा कि पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर 60% के आसपास वोट आई थी और बीजेपी को 38% के आसपास आई थी। आज जब ये हम जब एक इंडिया गठबंधन हो गया है, 3 जगह पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 जगह पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो क्रॉस वोट कटिंग नहीं होगा, तो जिसका एक बहुत बड़ा बहुमत हमें मिल के आ रहा है और हम 7 सीटें इस बार जीत रहे हैं। आप कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है, भाजपा का कहना है केजरीवाल ने घोटाला किया इसलिए गिरफ्तारी हुई है, जबकि विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी ने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भूल की है, ऐसा कोई घोटाला हुआ भी नहीं होगा, क्योंकि जो केजरीवाल जी हैं वो उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए जो कुछ भी किया है वो सब जनता जानती है, और बीजेपी वालों को तो शुरू से देखा ही है कि उन्होंने घोटाले से लेकर के, और डरी हुई बीजेपी पूरी तरीके से डरी हुई है, और वो अच्छे से जानती है कि हम इस चुनाव में हारने वाले हैं, इसलिए उनको कोई विकल्प नहीं बचा, तो उन्होंने सीधा सीधा उनको केजरीवाल जी को लिया और सीधा जेल में डाल दिया है, वरना वो जानते हैं कि इस दिल्ली की जनता तो उनको इस बार नहीं आने वाली है, बिल्कुल सांसद के या किसी भी सीट के लिए वो आने नहीं देने वाली है दिल्ली की जनता। केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत कुछ किया है, तो इसी वजह से डरे हुए हैं बीजेपी वाले, वो तो ऐसा काम करना ही था उन्होंने, पर बहुत बड़ी भूल की है उन्होंने इस बार। भाजपा पूरे देश में 400 बार का नारा दे रही है, दिल्ली में कह रही है कि तीसरी बार सातों की सात सीटें हमारी आने वाली हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी, तो आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? बिल्कुल जी बिल्कुल, किसी 7 सीटों में से एक भी सीट पे नहीं आने वाली है बीजेपी, क्योंकि उन्होंने देखा ना यहाँ पे बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं,
विधायकों को खरीद रहे हैं जबरदस्ती, उनको नहीं विधायक नहीं खरीदने में आ रहे हैं तो उनको जेल में डाल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। बहुत बुरी तरीके से डरी हुई है बीजेपी और एक भी सीट पे नहीं आने देगी और जेल का जवाब बोर्ड से वो 100% देंगे दिल्ली की जनता। गिरफ्तार होने से कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम योजना लाई थी महिला सम्मान राशि, आपको लगता है उस योजना से कुछ फर्क पड़ता महिलाओं की जिंदगी पर? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ता। इसके लिए आप देखिए कि महिलाओं के लिए क्या होता है कि घर की कैसे राशन है, क्या अपने खर्चे होते हैं, महिलाएं सब अच्छे से जानती हैं। माना कि केजरीवाल जी ने बहुत कुछ स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन 1000 वाली जो स्कीम थी वो तो एक सोने पे सुहागा वाली चीज़ थी। अभी तक उन्होंने तीर्थ यात्रा करके, केजरीवाल जी ने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया था, अब उन्होंने 1000 रुपये की स्कीम ला के महिलाओं को अपने भाई होने का फर्ज निभाया था, लेकिन बीजेपी वालों से देखा नहीं गया, मोदी सरकार से देखा नहीं गया, तो ये बहुत गलत किया उन्होंने। स्कीम से बहुत फ़ायदा होता दिल्ली की महिलाओं को, उनका आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता, उनके बच्चे जो एक गरीब महिला है जिनके बच्चे ट्यूशन में थोड़ा सा नहीं जा पाते थे पैसों को लेकर के, वो 1000 रुपये से उसको ट्यूशन भी पढ़ा सकती थी, अच्छी उन्नति करवा सकती थी उसकी, लेकिन ये बीजेपी वालों से सहा नहीं गया। सुनीता केजरीवाल कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार में जुट गई हैं, उन्होंने भी शुरुआत कर दी, आपको लगता है उनके आने से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा जी, महिला हैं, महिलाओं को तो वैसे भी बोला जाता है कि सरकार के लिए बहुत अच्छा देश चला सकती थी, इंदिरा गांधी जी ने देश चलाया था तो महिला क्यों नहीं कर सकती हैं। और बहुत अच्छा है कि सुनीता केजरीवाल जी हम सबके लिए पहले से प्रिय रही हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर वो आती हैं यहाँ पर राजनीति में तो बहुत खुशी की बात है।